हेलो दोस्तों, प्राइमेक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं इस कॉइल के बारे में कि इसका वर्क क्या होता है और किस तरीके से ये कॉइल हमारी काम करती है और किस तरीके से ये प्रॉब्लम जनरेट करती है और क्या इसमें दिक्कतें आती हैं, क्या बेसिक दिक्कतें आती हैं और किस तरीके से हम इस कॉइल को चेक करें और हम इस कॉइल को किस तरीके से चेक करने के साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। कुछ मेरे भाई, कुछ व्यूवर्स ने मेरे को कमेंट किया, सर कॉइल चेक करने के बारे में बताइए, कॉइल चेक करने के बारे में बताइए। तो किसी कारणवश मैं पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आज मैं आपको पूरा प्रॉपरली आज मैं सिखा दूंगा आपको कि किस तरीके से इस कॉइल को आइडेंटिफाई करें कि ये ख़राब है या सही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरीके से नई सी वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों इस कॉइल को चेक करने के लिए हमारे पास दो ट्रिक हैं, इसको चेक करने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये सही है या ख़राब है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ से इन सेलों के अंदर से हमारे 3 वोल्ट यहाँ से इस डिब्बी के अंदर हमारे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे। और सबसे पहले जब अगर कभी भी आप गैस गीजर का कोई भी एक्स वाई जेड काम कर रहे हो, अदरवाइज कॉइल चेक करना हो, डिब्बी चेक करनी हो, लाइटर चेक करना हो, बर्नर चेक करना हो, अदरवाइज कोई भी सिस्टम अगर चेक करना हो, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारे जो सेल के 3 वोल्ट हैं ये हमारे डिब्बी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए चेक करने के लिए हमें सबसे पहले आपको एक मीटर की ज़रूरत होगी। ये येलो वाला जो मीटर है इसको हम लगाएंगे बोल्ट पे, मतलब के डीसी बोल्ट पे हम लगाएंगे, 20 बोल्ट्स पे लगाएंगे। 20 बोल्ट्स का मतलब है ये 1 बोल्ट से लेके 20 बोल्ट्स तक हमें ये दिखाएगा। तो हमें इस पे यहाँ पे 20 बोल्ट्स पे इसको कनेक्ट करना है और साथ ही साथ हमें जो ये जो सेल की जो दो पिनें दिख रही हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, तो इस पे हमें दोनों को माइनस पे माइनस और प्लस पे प्लस हमें लगा के देखना है कि ये हमारे 3 बोल्ट यहाँ से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं 3.4 वोल्ट मतलब कुछ आ रहा है, तो मतलब 3 वोल्ट हमारे यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब कि हमारे डिब्बी में जा रहे हैं। तो ये तो हमारा कंफर्म हो गया कि हाँ हमारे सेल ठीक है और हमारे 3 वोल्ट हमारे यहाँ तक जा रहे हैं प्रॉपरली, लेकिन हमारी कॉइल प्रॉपर तरीके से ऑपरेट नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमारी कॉइल जो है, जब हम गैस को ऑन करते हैं, मतलब कि जब पानी की हम टंकी खोलते हैं, तो वो हमारी ऑपरेट हो रही है नहीं हो रही है। तो सबसे पहला जो काम है हमारा, सबसे पहला 3 वोल्ट देखने के बाद हमें इसके कनेक्टर को हटा देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 3 तार हैं, ब्लैक, येलो, रेड, आप देख रहे हैं 3 तार और 3 तार ही इधर हैं। तो ये इस टाइप से लगी हुई होगी, इसको आपको यहाँ से जैक है इसको दबा के एकदम इस तरीके से आपको हटा देना है। और जब आप इसको हटा देंगे तो अब आप इस कॉइल को देखेंगे, जब आप कॉइल को देखेंगे तो इसको हमें कहाँ लगाना है मीटर को, इस कंटिन्यूटी मतलब डाइवर्ट मोड पे हमें लगा देना है, इस तरीके से लगा देना है। जब आप इसको इस तरीके से लगा देंगे तब हम यहाँ पे चेक करेंगे, एक यहाँ पे लगा के और एक यहाँ पे लगा के, मतलब के बीच वाले को हमें छोड़ देना है। बीच वाले पे वो एक ही बात होती है, आप बीच वाले पे नहीं लगाएंगे, आप सिरों सिरों के पे लगाएं, मतलब शुरू वाले और लास्ट वाला, मतलब बीच वाले को आपको छोड़ देना है। आप देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यूटी हमारी आ रही है, मतलब कि कॉइल की जो कंटिन्यूटी है वो हमारी प्रॉपर तरीके से आ रही है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे बोल्ट जा रहे हैं लेकिन हमारी जो कॉइल है वो ऑपरेट नहीं हो रही है। तो उसके जब हमने ये चीज़ चेक कर ली तो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 3 वोल्ट हमारे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जब हमारा पानी इन होता है, जब आउटपुट पर निकल के आता है, तो हमारी जो चिप है ये ऑन हो जाती है। ऑन होने के बाद ये इसको डिब्बी को ऑपरेट करती है और डिब्बी जब करंट हमारा यहाँ से चला जाता है तो ये डिब्बी हमारी इसको 3 वोल्ट पहुँचाती है, जो इसके इन तारों के थ्रू हमारे 3 वोल्ट यहाँ तक आते हैं। कॉइल के अंदर जब जाते हैं तो ये हमारी कॉइल ऑपरेट हो जाती है इस तरीके से। जब ये पीछे चली जाती है तो गैस हमारा निकलने लगता है और आग हमारी जल जाती है। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको बोल्ट पे लगाना है कि हमें यहाँ पे 3 वोल्ट चेक करने के, यहाँ में हमारे यहाँ पे कॉइल पे 3 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए हमें चेक करने के लिए सबसे पहले आपको या तो पानी को चलाना होगा, अगर आपका पानी नहीं चल रहा है, आपकी शॉप पे है, मतलब गैस गीजर आया हुआ है, तो आप इसको यहाँ से छुटा के इसको आप आपस में मिला दीजिए। जब आप इसको आपस में मिलाएंगे तो इस तरीके से, बटन ऑफ था। अब आप देखेंगे जब इस चिप के तार यहाँ से
हमने ये यहाँ पे लगे हुए थे, अगर हम इसको हटा देंगे, अगर डायरेक्ट हम यहाँ से जोड़ेंगे इसको, तो ये हमारा वर्क करने लगेगा। तो देखो इस तरीके से ये हमारा वर्क करने लगेगा। आपको एलईडी भी जलती हुई नज़र आ रही होगी, एलईडी भी हमारी जल रही है, और हमारे जो लाइटर हैं और जो हमारे लाइटर हैं उनकी आवाज़ भी आपको साउंड आवाज़ आ रही होगी, मतलब कि लाइटर भी हमारे जल रहे हैं, लेकिन हमारी कॉइल ऑपरेट नहीं हो रही है क्योंकि अभी हमने यहाँ से कनेक्टर हटाया हुआ है। तो हमें क्या चीज़ चेक करनी, हमें यहाँ पे 3 वोल्ट चेक करनी है। तो उसके लिए आपको इसको डायरेक्ट करना होगा, या आप अपने हाथ से कीजिए, या मतलब किसी से करवाइए, मतलब इसको आपको आपस में ज्वाइंट कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 वोल्ट नज़र आ रहे होंगे। तो वो किस तरीके से चेक करेंगे, जब आप यहाँ पे टेस्टर लगा लेंगे तो ये हमारा कनेक्ट होने के बाद आपको कुछ साउंड सुनाई देगी, बस आपको ये जो कॉइल है ये ऑपरेट नहीं होगी क्योंकि हमें यहाँ पे 3 वोल्ट चेक करने हैं। अब मैं इसको यहाँ से इसका ज्वाइंट में लगाया हुआ है, आवाज़ चालू है, और आप मैं इसको देखता हूँ यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो आप देखेंगे 2.70, 80, 90 इस टाइप से कुछ हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि पूरे 3 वोल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि लोड होता है तो उसमें थोड़े वोल्ट कम हो जाते हैं। तो आप देखें 2.80, 88 के करीब इस टाइप से आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब कि यहाँ पे हमारे वोल्ट आ रहे हैं। और जैसे ही मैं इसमें अब कनेक्ट करता हूँ, तो मैंने इसका कनेक्टर मैंने लगा दिया है, और अब मैं देखता हूँ कि ये हमारी कॉइल ऑपरेट होती है या नहीं होती। मैं इसको आपस में मिलाता हूँ और मेरी कॉइल ऑपरेट हो रही है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ऑपरेट हो रही है, मतलब कि कॉइल हमारी बिल्कुल ओके है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि कॉइल को हम किस तरीके से चेक करते हैं और क्या वर्क होता है उसका। वर्क बस इतना ही होता है कि जैसे ही इसमें गैस जाने लगती है, मतलब कि इसको आप ऑन करते हैं, टंकी खोलते हैं, तो ये हमारी चिप इसको संकेत देती है और तब हमारी कॉइल ये ऑपरेट होता हो जाती है। अब इसका दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि जब आप यहाँ पर आप देख लें कि 3 वोल्ट हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, और आप देखेंगे कि ये ऊपर नीचे हो रही है नहीं हो रही है, कभी कभी ये जाम भी हो जाती है, तो आपको देखना है कि ये हमारी ऑपरेट हो रही है नहीं हो रही है। दोस्तों इस कॉइल के बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूं, दोस्तों कभी भी आप अगर इस कॉइल को खोलें तो सबसे आपको इम्पोर्टेंट जो बात है वो क्या ध्यान रखनी है दोस्तों, कि जब भी आप इस कॉइल को खोलें तो एक आपको इस टाइप की काली रबड़ दिखाई देगी, तो उसको लगाना ना भूलें, और देख लें कि ये इससे जो आपका इस तरीके से ये पूरा थोड़ा सा उठा रहना चाहिए, क्योंकि रबड़ थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। अगर इसके बराबर में बिल्कुल आपको भिजी हुई है, मतलब कि ज़्यादा पुरानी रबड़ है और ये बिल्कुल इसके बिल्कुल लेबिन में आ रही है, तो आपको इस रबड़ को बदल देना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, अगर यहाँ से हमारी गैस लीकेज होने लगती है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो कभी भी आप इस कॉइल को कभी भी खोलें तो इस रबड़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये गैस का मामला है, कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो हमेशा इस कॉइल का खोलने से पहले इस रबड़ को ज़रूर से ज़रूर लगा दें और बहुत ध्यान से इस काम को कीजिए। ठीक दोस्तों, इस तरीके से आप मीटर की मदद से, इस येलो वाले मीटर की मदद से आप इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा कोई दिक्कत आती है तो वो एक अदर दिक्कत है, मतलब कि वो अलग दिक्कत है। अगर आपके बोल्ट यहाँ से सेल में जाने के बाद 3 वोल्ट और यहां पे आपके वोल्ट नहीं आ रहे हैं, इस कनेक्टर पे 3 वोल्ट हमारे नहीं आ रहे हैं, तो आपको ये पूरी डिब्बी ये जो है हमारी पूरी चेक, मतलब के चेंज करनी होगी, जिसकी वजह से ये कभी कभी दिक्कत करने लगती है और हमारे 3 वोल्ट यहां तक नहीं आ पाते हैं। तो अगर ऐसी कभी भी आपके साथ दिक्कत आए तो आपको ये पूरी की पूरी डिब्बी आपको चेंज करनी है और आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ आई, तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, और आपकी इस बारे में कोई भी क्वारी या कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप या फिर आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा दोस्तों। और दोस्तों आगे भी मैं और वीडियो बनाने वाला हूं, जैसे कि प्रेशर कम आता है, कभी कभी ये पाइपों में कीचड़ जम जाती है, उसको कैसे रिमूव करें, और बर्नर की कैसे मतलब रिपेयरिंग करें, कैसे उसकी सफाई करें, किस तरीके से हम मतलब इसके पूरी प्रॉपर्ली में वीडियो बनाने वाला हूं। तो आई होप दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पर दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।